हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ कागजी घोड़ा ही बना दिखाई दे रहा है, जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में छेड़छाड़ से तंग आकर एक युवती ने विद्यालय में ही जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन अभी तक उस छात्रा के गुनाहगारों को सजा तो दूर, गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। ऐसे ही हालात रहे तो बेटियों का क्या होगा, ऐसी भी चिंता सभी को सताई जा रही है। परिवार को सांत्वना देने के लिए मृतक छात्रा के घर पर दिल्ली के समाजवादी पार्टी की मीडिया प्रमुख सचिव पंखुरी पाठक भी पहुंची और भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी अपनी ओर से भरसक प्रयास करेगी ताकि पीड़िता के परिवार को न्याय मिल सके। मैं अभी थोड़े दिन पहले पता चला कि जहर श्रेया पांडे, जो कि सातवीं कक्षा में पढ़ती थी, उनको जहर दिया गया स्कूल में और उसके बाद उनका देहांत हो गया। और अभी भी इसमें पुलिस ने कोई खास कार्रवाई नहीं करी है। एक लड़के का नाम इसमें आया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है जहां पर ये सब हादसा हुआ और जहां पर श्रेया को जहर दिया गया। मामला मिर्जापुर के सीकर क्षेत्र का है, जो कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से लगा हुआ है। यहाँ के केबीएन पब्लिक स्कूल में एक छात्रा ने छेड़खानी के मामले में तंग आकर विद्यालय परिसर में ही जहर खा लिया था। मृतक छात्रा के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनका आरोप है कि आरोपियों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है एवं आरोपी आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं। लड़का परेशान किया और उसमें कुछ एकाध दो महिलाएं टीचर और वहां का डायरेक्टर प्रबंधक रामबली पटेल, ये सब इनके जिम्मेदार हैं। हम पहले से भी इनको शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये कोई कार्रवाई इस विषय में नहीं कर पाए। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मोदी योगी की सरकार भय मुक्त सरकार व सुशासन की बातें करती है। जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा। मिर्जापुर से संदीप सिंह के साथ सीखर से देव प्रकाश नारायण पाठक की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।